आज की वीडियो में हम आमिर खान की उन टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है, साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में भी जानेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साल 2016 में आई मूवी दंगल का। इस मूवी के डायरेक्टर नितेश तिवारी थे। मूवी का बजट 70 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 387 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 2070 करोड़ की और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2014 में आमिर खान की मूवी आई थी पीके। इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे। मूवी का बजट 85 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 340 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 792 करोड़ की और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2013 में आमिर खान की मूवी आई थी धूम 3। इस मूवी के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य थे। मूवी का बजट 150 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 284 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 558 करोड़ की और मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2009 में आमिर खान की मूवी आई थी 3 इडियट्स। इस मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे। मूवी का बजट 55 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 202 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 460 करोड़ की और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2018 में आमिर खान की मूवी आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस मूवी के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य थे। मूवी का बजट 300 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 151 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 327 करोड़ की। हालांकि यह मूवी फ्लॉप रही थी क्योंकि इसका बजट ज्यादा था और भारत में कमाई बजट से भी आधी थी। साल 2018 में आमिर खान की मूवी आई थी गजनी। इस मूवी के डायरेक्टर A.R. मुर्दादोश थे। मूवी को 45 करोड़ के बजट में बनाया गया था जिसने भारत में कमाई की थी 114 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 194 करोड़ की और मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2007 में आमिर खान की मूवी आई थी तारे जमीन पर। इस मूवी के डायरेक्टर खुद आमिर खान थे। मूवी का बजट 18 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 63 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 98 करोड़ 50 लाख की और मूवी हिट रही थी। आमिर खान की अगली मूवी का नाम रंग दे बसंती था। मूवी के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। मूवी का बजट 28 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 52 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 96 करोड़ की और मूवी हिट रही थी। साल 2006 में आमिर खान की मूवी आई थी फना। मूवी के डायरेक्टर कुणाल कोहली थे। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 51 करोड़ 89 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 102 करोड़ 86 लाख की और मूवी सुपर हिट रही थी। साल 1996 में आमिर खान की मूवी आई थी राजा हिंदुस्तानी। इस मूवी के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन थे। मूवी का बजट 6 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 43 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 76 करोड़ 38 लाख की और मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो दोस्तों ये थी आमिर खान की टॉप 10 फिल्में जिसमें दंगल ने भारत में कमाई की थी 387 करोड़ की, पीके ने भारत में कमाए थे 340 करोड़, धूम 3 ने भारत में कमाए थे 284 करोड़, 3 इडियट्स ने भारत में कमाए थे 202 करोड़, थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भारत में कमाई की थी 151 करोड़ की, गजनी ने भारत में कमाए थे 114 करोड़, तारे जमीन पर मूवी ने भारत में कमाई की थी 63 करोड़ की, दंग दे बसंती ने भारत में कमाई की थी 52 करोड़ की, फना ने भारत में कमाई की थी 51 करोड़ 89 लाख की, राजा हिंदुस्तानी ने भारत में कमाए थे 43 करोड़। तो दोस्तों ये थी भारत में कमाई के आधार पर आमिर खान की टॉप 10 फिल्में। आप कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।